स्टूडेंट लगातार साडे नाल गल करे। सर की नाम है तुहाडा? सर मेरा नाम जसप्रीत सिंह आ ते मेरा लॉ डिपार्टमेंट आ। जसप्रीत जी तुसीं की कहना चाहुंदे हो इस जिहड़ी जॉब सरकार ने? सर पहली गल तां असीं बहुत खुश हां सरकार ने आंदे सारी लगभग 26,000 वैकेंसियां दा फैसला कीता, पर इहदे नाल ही सरकार नूं इक दो गल्लां दा ध्यान रखना चाहीदा, जिवें कि हुण जिवें पुरानियां भर्तियां ने पंजाब पुलिस कॉन्सटेबल लगभग 4,358 कॉन्सटेबल दियां सीगियां, प्रोफेसरां दियां सीगियां, हैड वार्ड अटेंडेंट सीगियां, उह सारे इहदी हाले तक ज्वाइन ही नहीं हुई। कॉन्सटेबल दे उरे लाइब्रेरी आपां गल कर लईए, 10 तों लेके 15 कैंडीडेट कॉन्सटेबल दे सिलेक्टड होणे, मैं वी इक सिलेक्टड कैंडीडेट जनवरी दे विच साडा प्रोसीजर पूरा हो गया सारा कुछ, उस तो बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग गया ते कहिंदे चलो कोड ऑफ कंडक्ट तो बाद ज्वाइनिंग होगी, पर हले तक देख लो अपना मई महीना आ गया कुछ नहीं पता हैगा ज्वाइनिंग दा। वार्ड अटेंडेंटां दी गल कर लो, टॉपर जिहड़े लगभग 300 सीगे उहनां दी ज्वाइनिंग होगी वोटां तों पहलां, ते उह बाकी जिहड़े हले तक लमक रहे ने, हैड कॉन्सटेबल दा हले तक रिजल्ट नहीं आया हैगा, ते उस तों बाद सब इंस्पैक्टर दा पेपर कैंसल हो गया। ते दूजी गल हुण 2016 दी आपां गल करिए, 2016 च लगभग 7,000 वैकेंसी आईयां सीगियां, उहदे च 5,000 दी ज्वाइनिंग हुई, 2,000 दी हजे तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। उहनां दा केस चल्लिया सीगा, उहनां दा हाइट नूं लै के कोई इशू सीगा, उह कोर्ट च गया, कोर्ट ने सॉल्व कीता, डिपार्टमेंट नूं कहा कि जाओ बड़ा डर विच बच्चों के हुण जिहड़े आखिरी स्टेज डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं इस सिचुएशन से कि अगे अपलाई नहीं कर सकते ते इहदे च ज्वाइनिंग नहीं हो रही। इस तरह होर भी बस इन्हां गल्लां दे दूजी गल एक गल सरकार नूं होर ध्यान रखना चाहीदा, हुण प्रोबेशन पीरियड ते पे स्केल फुल नहीं मिलदा, जदों असीं ड्यूटी पूरी कर रहे हां सानूं पे स्केल फुल क्यों नहीं मिल रहा? असीं ना रखना चाहीदा 3 साल दी बजाय किन्ना तुसीं सोचदे प्रोबेशन पीरियड होना चाहीदा, क्योंकि पता लग जांदा ना। चलो प्रोबेशन पीरियड 3 साल दा असीं सहमत हां, हुण अपनी उहनां ने कोई करना अपनी ना जो भी रिक्वायरमेंट रखी आपां नूं पता, पर उत्थे पे जिहड़ी फुल क्यों नहीं मिल रही हैगी? जदों आपां ड्यूटी पूरी कर रहे हां तां पे वी फुल मिलनी चाहीदी आ, बस इहनां गल्लां दा सरकार नूं ध्यान रखना। इह जिहड़ी 26,000 वैकेंसियां निकलियां ने इस दे विच इह दुविधावां तुसीं ना आउण पारदर्शिता ना मेडिकल होना सारा कुछ कदों होना सारा प्री प्लैंड होना चाहिए था, ते जेड़ी डेट उन्होंने दी उसे डेट दे अकॉर्डिंग सारा प्रोसीजर पूरा होना चाहिए, इन्हां गल्लां दा सरकार नूं ख्याल रखना। आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिवें बदलाव की गल की लगता कि इस पासे ये कदम ध्यान रखणगे इन्हां गल्लां नूं? देखो बदलाव बारे हले कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हले तक आपां कहीए सिर्फ ऐलान ही ने ते उम्मीदां ही ने, इन्हां उम्मीदां कदों पूरियां होणगियां इहदे बारे हुण आपां अगे जाके 1 साल बाद 6 महीने बाद ही कुछ कह सकदे हां कि इह काम कीते सरकार ने इह नहीं कीते। जॉब जिहड़ियां ने मिलण दे नाल नौजवान जरूर खुश ने? हांजी हां नौजवान खुश ने क्योंकि आंदे सारी सरकार ने उहनां नूं इक मौका दित्ता कि तुसीं पढ़ो जॉब्स आ रहियां ने तैयारी करो पेपर दो, ते पहलां इह नहीं हुंदा सीगा। पारदर्शिता बारे की कहोगे तुसीं? पारदर्शिता बारे जिवें पिछलियां जिहड़ियां भर्तियां सीगियां सब इंस्पैक्टर दियां कई भर्तियां उहनां ते एलीगेशन लगी नकल हुई है ते पेपर पोस्टपोन होए, हले तक दुबारे पता नहीं कि पेपर कदों होणे आ। हाँ हाई कोर्ट च गए, हुण अपने प्रोफेसरां दी सीगी नौकरी 1158 प्रोफेसरां दी सीगियां, उहनां च वी रिट पई हुई आ, उह बेचारे वेट कर रहे ने, ते इह चीज़ दा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहीदा पहलां तों ही। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਮੈਂ ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26,453 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਏਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ
पटवारी कई ज्वाइन नहीं कराए, पंजाब पुलिस दी जिहड़ी भर्ती है वह सिरे नहीं चढ़ी, स्कूलों के जिहड़े ईटीटी बीएड के पेपर होए वह सिरे नहीं चढ़े। मैं लगता भी उधर भी जिहड़े वह जिहड़े क्वालीफाइड जिहड़े कैंडीडेट्स ने, जे सरकार बदल गई इहदा मतलब यह नहीं कि असीं उन्हां नूं पासे कर दईए। मैं कहना वह भी इन्हां नूं जिहड़ा है वह सिरे चढ़ाउणा चाहीदा। तो सैकेंड जिहड़ी है कि यह भी बार बार रिटां ना पैन, कोर्ट केस ना जाण तों पहलां ही यह जिहड़ियां प्रोविजनज़ ने उन्हां दी लीगल एडवाइजरज़ ने जिहड़े उन्हां दी सलाह लै के इन्हां नूं चलना चाहिए हैगा। तो मेरी जिहड़ी एक होर बेनती है सरकार नूं कि जे ये 26,000 पोस्ट है जे मान लो सिरे चढ़दी है जां सरकार जिवें कह रही है अपना दावा कर रही है, तो जिहड़ी जिहड़ी पोस्टिंग आ वो जरूर बंदे दी 25 तो 30 किलोमीटर दे 20-25 किलोमीटर दे एरिए होनी चाहिए आ। फॉर एग्जाम्पल जिवें कई टीचर ने 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहे हैं फाजिलका तो जिवें मैं मुक्तसर तो बिलोंग करदा, तो मेरा एक दोस्त आ जिहड़ा वो तरन तारण जिले च पढ़ा रहा आके वो डेली अप डाउन कर रहा, तो मैं लगता भी कोई भी बंदा जिहड़ा वो न्याय नहीं कर पाऊगा अपने नाल जे वो बंदा सवेरे 3-3.5 घंटे ट्रैवल करके आ रहा, शाम को 3-3.5 घंटे ट्रैवल करके जा रहा, तो ये एक बहुत सरकार ध्यान रखने की जो जरूरत। एक सवाल इस हो रहा है कि जरूरी नहीं कि सारे बच्चों सारे ही सरकारी नौकरी मिले, कि सरकार नू चलो सरकारी नौकरियां वध तो वध देनी चाहिए, जिहड़ियां वैकेंसियां भी वधाउणियां चाहिए, कि प्राइवेट सैक्टर नालों जिहड़े नौजवान ने गवर्नमेंट जॉब नू क्यों पहल दिंदे ने, तुसीं इस बारे की कहना चाहते हो? क्योंकि प्राइवेट सैक्टर दे विच जी जिद्दां पहला तां इह आ कि जिहड़ा असीं बराबर दा काम कर रहे हां। फॉर एग्जाम्पल हुण प्राइवेट स्कूल वाले भी टीचर पढ़ा रहे ने, सरकारी स्कूल वाले भी, सरकारी स्कूलां नू 40-50,000 रुपया गुजारे जोगा मिल रहा, प्राइवेट स्कूल च उही 10,000 मिल रहा। इस करके वो की करते हैं कि एलीजिबल कैंडीडेट नहीं रखते, जिवें जे प्री नर्सरी नूं 5वीं तक 8वीं तक स्कूलों वाले बच्चों नूं पढ़ाउणा तो की करते हैं प्लस टू पास जां ग्रैजुएशन वाले बच्चे लै लें टीचर लै लेंदे ने जिन्हां नूं वो 8-10 हज़ार ते रखी रखते हैं। तो होना चाहिए सरकार नूं ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों के भी जॉब सैक्टर के जिहड़ी जिन्ने भी प्राइवेट सैक्टर ने उन्हां दे विच जिहड़ी एलीजिबिलिटी पंजाब सरकार फॉलो करती है उही उत्ते होना चाहिए, और स्केल आ जिहड़ा जे वह बराबर लागू होगा तो फिर ही मेरे हिसाब नाल जिवें हुण नर्सिंग सैक्टर दे विच देख लो वी जिवें कई हॉस्पिटल चंगे चंगे बने ने नर्सिंग सैक्टर दे विच, ते पर वो की आ कि बड़े लोग इलाज करन जांदे ने वो बड़े महंगे ने, पर उहदे विच इशू ये आ कि वो नर्सिस नूं जां डॉक्टर्स नूं उन्ना पे नहीं किया जा रहा जिन्ना कि सरकारी सैक्टर दे विच। अरे भी सरकार नूं जिहड़े आ जॉब सिक्योरिटी नूं लैके प्राइवेट सैक्टर डर रहिंदा कि इस दे विच भी सरकार नूं कदम चुकने चाहिए कि जे प्राइवेट जॉब भी आ तो उसनूं एक समाबद्ध इन्ना चिर नौकरी मिले, इस बारे भी कदम चुकने चाहिए। हाँ जी, ये समाबद्ध होना चाहिए कि जिहड़ा है प्राइवेट सैक्टर, और मैनूं लगता भी जिवें अजकल सरकार ने पहला तो पेंशन बंद करती, जे सरकारी जे कि अदारे जिमें पेंशन कहें दोबारा बहाली करा तो उमें प्राइवेट सैक्टर के भी एक सोशल सिक्योरिटी ना की चीज़ आ जी जरूर होनी चाहिए आ, और जड़िया पुरानी भर्ती ने उन्होंने भी मेरे हिसाब न इन्हों सिरे चढ़ा चाहिए, और प्राइवेट सैक्टर के जिमें भगवंत मान साहब कह रहे हैं कि मैं कुछ व्यापारियों कुछ किया है भी वो इतने आके इंडस्ट्री लैके आएंगे, पर उत्थे फिर जेडे ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन नहीं होनी चाहिए, जे सेम काम कर रहा बंदा तो सेम अमाउंट ऑफ मनी देना चाहिए। बिल्कुल वड्डा वैलिड पॉइंट है कि जेकर सरकार सारे सरकारी नौकरियां नहीं दे पाती तो प्राइवेट सैक्टर इन्ना मजबूत किया जाना चाहिए है कि प्राइवेट सैक्टर के नौकरियों के बराबर पे स्केल मिलना चाहिए है।